दोस्तों मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। यूपीटीईटी भर्ती 2021 का दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट सामने निकाल के आ रही है आपको एडमिट कार्ड से संबंधित। आप लोगों के द्वारा बार बार कमेंट्स किया जा रहे हैं कि क्या सर हमारे लोगों का एडमिट कार्ड आ गया है, क्योंकि साइड जो है थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, साइड पर इरर की प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताएंगे कि आप अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, और कौन सा साइट है जहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और अभी एडमिट कार्ड आप लोगों का जारी हुआ है या फिर नहीं। उससे पहले जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भूल गए हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी अपडेट है, तो चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। और विद इन फैक्ट मैं दोस्तों आपको सारे टॉपिक को दिखाऊंगा कैसे आप अपने आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मैं आपको लिया चलता हूँ आप विभिन्न साइटों से, चाहे आप इसकी ऑफिशियल साइट से चाहे आप सरकारी रिजल्ट। दोस्तों सबसे आसान होता है सरकारी रिजल्ट, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको लिया चलता हूँ सरकारी रिजल्ट पे। दोस्तों अपने गूगल पे जाकर सरकारी रिजल्ट टाइप करिएगा और मैं यहाँ पर आ गया हूँ सरकारी रिजल्ट पे। ठीक है, आइए मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ किस प्रकार सरकारी रिजल्ट पे आप सरकारी रिजल्ट गूगल पे यहाँ पर टच करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आइए मैं दिखाता हूँ, अभी जो आप लोग बोल रहे थे कि आप लोगों का टीटी का एडमिट कार्ड जारी, यहाँ पर लिंक अवेलेबल सोन दिखा रहा है। ठीक है, आप सरकारी रिजल्ट पर जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है लिंक अवेलेबल सोन। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ऑफिशियल साइट, तो यहाँ पर दिया है आप इसके थ्रू ऑफिशियल साइट पे भी जा सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल साइट पे ले चलूँ, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जिन अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया दोस्तों उनको क्या करना है, फॉरगेट पे ऑप्शन पर क्लिक करके अपना नाम, मदर्स नेम और अपना डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी मेंशन करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड आ जाएगा। जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया मेरे को मैसेज करना, मैं उनका पासवर्ड वहाँ से प्रोवाइड कर दूंगा या फिर आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, फॉरगेट कर पे। चलिए दोस्तों मैं आपको ऑफिशियल साइट पर लिया चलता हूँ सबसे पहले। तो जैसे ही ऑफिशियल साइट पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, थोड़ी देर में इसमें प्रॉब्लम चलेगी क्योंकि साइट की प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, लेकिन इसके जैसे ही दो तीन बार दोस्तों रिफ्रेश करेंगे आपका ये साइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आपके सामने मैंने यहाँ पर दो तीन बार रिफ्रेश किया और ये आपकी ऑफिशियल साइट खुल गई। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको लिए चलता हूँ रिजल्ट वाले सेक्शन पर कि आप लोगों का रिजल्ट जारी किया गया है या फिर नहीं, सॉरी एडमिट कार्ड के सेक्शन पर। तो यहाँ पर मैं एडमिट कार्ड के सेक्शन पर क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आप कोई भी दोस्तों यहाँ पर आपका 2021 का भी आपको आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर नहीं शो कर रहा है। तो अभी आप लोगों का एडमिट कार्ड नहीं जारी हुआ दोस्तों, थोड़ा समय लगेगा दोस्तों, आई थिंक 1 से 1.5 घंटे में आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। और जिनका भी एडमिट कार्ड से संबंधित कोई डाउट्स हो कमेंट सेक्शन पूछ लेना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।